हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू वीडियो इस वीडियो में हम ड्रिलिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशंस के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो स्टार्ट क्वेश्चन इज द कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल डिपेंड्स अपॉन द ड्रिल की कटिंग स्पीड किस पे डिपेंड दिपे करती है मटेरियल ऑफ ड्रिल टाइप ऑफ मटेरियल टू बी डिल्ड क्वालिटी ऑफ सर्वेज फिनिश डिजायर्ड ऑल ऑफ द अबव सो इसका आंसर आएगा डी कटिंग स्पीड जो होती है जो ये मेजर बताए हुए इन सारे मेजर्स पे हमें रखनी पड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन कास्ट आयरन ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूसेस कास्ट आयरन जो होता है जो मशीनिंग के टाइप पे कौन से चिप्स प्रोड्यूस करता है ये क्वेश्चन है जो कास्ट आयरन जो होता है वो सॉफ्ट और उसमें ब्रिटेलनेस की भी क्वालिटी होती है इसलिए वो डिसकन्टिन्यूस चिप्स यानी ब्रेकेबल चिप्स को प्रोड्यूस करता है इसका आंसर आएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन अ सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडली हैव सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को जनरल पर्पज़ के लिए हम ज़ीरो रेक एंगल रखते हैं और जीरो रेक होना चाहिए सो so, इसका आंसर आएगा ए ज़ीरो रेक एंगल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्विस्ट ड्रिल आर मेड ऑफ ट्विस्ट डील जनरली हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं एच एस एस मटेरियल से बनाए जाते हैं इसका आंसर आएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन अ ट्विस्ट ड्रील इज़ अ साइड कटिंग टूल फ्रंट कटिंग टूल एंड कटिंग टूल ट्विस्ट डिल एक एंड कटिंग टूल है फ्रेंड्स बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो अपना एंड मिल कटर होता है एंड मिल कटर ये एंड कटिंग और साइड कटिंग दोनों कट करता है लेकिन ट्विस्ट डिल होता है जो साइड से कटिंग नहीं करता है ट्विस्ट डिल अपने एंड के जो हम एक डिग्री का एंगल लगाते हैं उससे उसकी कटिंग होती है मटेरियल की कटिंग होती है सो इसका आंसर आएगा सी एंड कटिंग टूल अ ड्रिल कंसिडर्ड एज कटिंग टूल हैविंग अ ड्रिल कंसिडर्ड एज कटिंग टूल हैविंग जीरो रेट इज़ नोन एज अ स्टेट फ्लूटेड ड्रिल स्ट्रेट फ्लूटेड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टूल मटेरियल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टूलिटी टू ऑब देयर हॉट हार्डनेस इसका आंसर आएगा हॉट हार्डनेस की एबिलिटी से इसको अपने को इंक्रीजिंग फॉर्मेट में लगाना है ऑर्डर में लगाना है तो इसका आंसर अच्छा आएगा पहला आता है सीरेमेट कार्बाइट सीरेमिक और बोरोजॉन इसका आंसर आएगा सी पंद्रह नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द ड्रिल इज मेड डैश थर्टी डिग्री देन रिक्वायर्ड टू बी ड्राइव मतलब यहाँ पे अपने को खाली जगह भरनी है इसका आंसर आएगा 15, made, less than, less than 30, तो अपने को टॉर्क कम लगेगा और फिट मोर होगी इसका आंसर आएगा बी सिक्सटीन द टॉप एंड साइड्स ऑफ द टेबल ऑफ शेपर यूजली है शेपर के टेबल पे टी स्लॉट्स बने होते हैं कटके होते हैं इसका आंसर आएगा बी टी स्लॉट्स सेवनटीन फॉर सॉफ्टर मटेरियल्स द पॉइंट एंगल ऑफ द ड्रिल इज केप्ट यहाँ पे इसका आंसर लेस देन वन एटी डिग्री वन एटीन डिग्री लिखा हुआ है लेकिन इसका आंसर आएगा दोस्तों इक्वल टू वन एटी क्योंकि हमको अगर पूछा जाए कि कौन से भी मटेरियल का अगर सॉफ्ट या हार्ड पूछा जाए मटेरियल तो हमको अगर उसके ऑप्शंस में वन एटी या इक्वल टू वन एट वन एटीन अगर होएगा तो अपने को आंसर वही लिखना पड़ेगा सो so, इसका आंसर आएगा इक्वल टू वन एटीन डिग्रीज एटीन हाई स्पीड स्टील ड्रिल्स कैन बी ऑपरेटेड एट अबाउट डबल ऑफ द डबल स्पीड ऑफ द कार्बन स्टील इसका आंसर आएगा सी डबल स्पीड वेन द एंड ऑफ टैप इज टेपर्ड फॉर अबाउट थ्री और फोर थ्रेड्स तो उसका आंसर आएगा सेकंड टैप जो फर्स्ट uh, टैप होती है जिसको हम टेपर टैप बोलते हैं उसका वन या टू एक या दो या हाँ एक या दो टेपर जो थ्रेड्स होते हैं जो टेपर किए रहते हैं बॉटमिंग टैप के पाँच से छः टैप टेपर किए रहते टैप के थ्रेड्स टेपर किए रहते हैं जो से, सेकंड टैप होता है थर्ड टैप को बॉटमिंग टैप बोलते हैं सेकंड टैप होता है उसके थ्री और फोर थ्रेड्स जो होते हैं वो टेपर किए होते हैं उसका आंसर आएगा सी द टैप यूज टू कट थ्रेड्स इन ब्लाइंड होल इज़ ब्लाइंड होल मतलब जो होल पूरा जो सुराख पूरा आर पार न किया हो उसे हम ब्लाइंड होल कहते हैं तो ब्लाइंड होल के थ्रेड्स कट करने के लिए हम बॉटमिंग टैप का यूजेस करते हैं यूज करते हैं नेक्स्ट इन शेपर द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज इंक्रीज बाय शेपर में लेंथ ऑफ स्ट्रोक किस से इंक्रीज किया जाता है सो so, हम जो अपने बुलगेयर का और क्रैंक पिन का जो डिस्टेंस है उसे हमें बढ़ाना पड़ता है तो इसका आंसर आएगा इंक्रीजिंग द सेंटर डिस्टेंस ऑफ बुलगेयर एंड द क्रैंक पिन ए इज़ द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेटल कटिंग यूज़ ऑफ लो फीड्स एंड हाई कटिंग स्पीड इज डिज़ायर्ड विथ अगर हमें मेटल कटिंग में लो फीड और हाई कटिंग स्पीड हम लेंगे तो हमें सर्फिस फिनिश जो है अच्छी मिलेगी इसका आंसर आएगा सर्फिस फिनिश अ सिंगल पॉइंट टूल हैज रेक एंगल कटिंग एंगल लिप एंगल इसका आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द एंगल ऑफ विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल इज डिपेंड ऑन टूल की स्ट्रेंथ हमारे रेक एंगल पे डिपेंड होती है अगर हम पॉजिटिव रेक एंगल लेंगे तो स्टूल की टूल की स्ट्रेंथ जो है वो कम होएगी अगर हम नेगेटिव लेंगे तो स्टूल की टूल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ज़ीरो लेंगे तो हम ज़ीरो जो होता है वो हार्ड मटेरियल पे ज़्यादा यूज़ करते हैं जनरली नेगेटिव भी हार्ड मटेरियल लेकिन सॉफ्ट मटेरियल जो होता है उस पर हम पॉजिटिव रेक को यूज़ करते हैं इसका आंसर आएगा ए रेक एंगल स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स अपॉन द रेक एंगल लार्जर देन फिफ्टीन साइड कटिंग एज एंगल जो पंद्रह डिग्री से ज़्यादा साइड एज एंगल होता है उससे क्या होता है इट इट प्रोड्यूसेस चिपिंग एंड डिक्रीजेस हमारी लाइफ हमारे लाइफ की आयुष्य को कम करता है लाइफ को कम करता है और चिप्स प्रोड्यूस करता है इसका आंसर आएगा सी ट्वेंटी सिक्स द एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कटिंग टूल इज कॉल्ड द एंगल मेड ऑफ बाई द फेस ऑफ़ द टू एंड द प्लेन पैरल टू द बेस टू द बेस ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड इसका आंसर आएगा रिक रेक एंगल रेक एंगल हमारे प्लेन पैरल पर बना होता है अगर उसको हम ज़्यादा घिंच दें मतलब अंदर की तरफ कर दे तो नेगेटिव हो जाता है और जीरो भी रखते हैं नेक्स्ट बैक रेक एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट टूल इज़ द एंगल बाई विच द फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइड टूवर्ड्स बैक हमें अग्री या डिसअग्री बोल रहा है इसका आंसर आएगा अगरी फेस पे एक एंगल बनाता है बैकर एक एंगल एज द कटिंग स्पीड इंक्रीजेस टूल लाइफ डिक्रीजेस कटिंग स्पीड अपनी जितनी ज्यादा रखेंगे टूल का लाइफ उतना डिक्रीज होगा ये सही है इसका आंसर आएगा ए एस नेक्स्ट द कटिंग स्पीड इज मिनिमम वाइल मशीनिंग हम कटिंग स्पीड किसको मशीनिंग करते समय सबसे कम रखते हैं इसका आंसर आएगा कास्ट आयरन कास्ट आयरन में कूलेंट भी प्रोड्यूस नहीं होता कास्ट आयरन हम ब्लो एयर करते हैं इसका आंसर और कटिंग स्पीड सबसे कम होती है कास्ट आयरन में इसका आंसर आएगा ये कास्ट आयरन द डेप्थ ऑफ कटिंग द डेप्थ ऑफ कट इन ड्रिलिंग इज वन हाफ वन हाफ टू द ड्रिल डायमीटर इसका आंसर आएगा सी वन हाफ नेक्स्ट द कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग कॉपर विद हाई स्पीड स्टील ड्रिल फॉर्म हाई स्पीड स्टील में कटिंग स्पीड वेरी करती है कॉपर को ड्रिल करते समय सो इसका आंसर आएगा अट्ठारह से तीस मीटर पर मिनट इसका आंसर आएगा बी नेक्स्ट इन हॉट मशीनिंग द वर्क इज हीटेड बाय हॉट मशीनिंग यानी फोर्जिंग में या फिर वर्क पीस को हॉट करके मशीनिंग करने में हम वर्क पीस को हीट किस से करते हैं सिंपल हीटिंग फ्लेम हीटिंग इंडक्शन हीटिंग एनी ऑफ द अबाउट तो इसका आंसर आएगा एनी ऑफ दिस इसका आंसर आएगा डी सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़ थैंक यू थैंक यू वेरी मच